अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान की रेजिस्टेंस फोर्स से जंग चल रही है। हालांकि तालिबान दावा कर चुका है कि उसने पंजशीर जीत लिया है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि 60% से ज्यादा पंजशीर अब भी उसके पास है। इस बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजशीर में तालिबान अब आम नागरिकों का खून बहा रहा है और अब तक 20 लोगों की हत्या कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले पहुंच रहे हैं। यहां वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। हवाई मार्ग से पीएम दोपहर 12 बजे लोधा स्थित राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में महिला अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने एक बार फिर आवाज उठाई। जिनेवा में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक पड़ोसी होने के नाते भारत यहाँ की स्थितियों पर करीब से नजर रख रहा है। पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं, आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की है और ये गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को ईडी का नोटिस मिलने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। गुप्ता पर कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व आप नेता सुखपाल सिंह खेरा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 24,410 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं 39,811 मरीजों को रिकवर किया गया है। इस दौरान 340 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक कुल 46 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 5 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये लगातार 9वां दिन है जब ईंधन की कीमतें स्थिर है। इससे पहले भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने बीते रविवार को पेट्रोल की कीमत में 13 से 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 14 से 15 पैसे प्रति लीटर की मामूली कटौती की थी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स 58,482 पॉइंट पर और निफ्टी 17,420 पॉइंट पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 220 पॉइंट चढ़कर 58,400 पर और निफ्टी 80 पॉइंट चढ़कर 17,435 पर कारोबार कर रहा है।